हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपनी नानी और दादी की रेसिपी। आज हम लोग बनाएंगे आम का अचार। तो गर्मियां तो आ ही गई हैं और बहुत गर्मी पड़ रही है, और गर्मी में तो आम मिल ही जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं आम, और हमने इसको बाज़ार से ही कटवा लिया था। बाज़ार में ये आसानी से कट जाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसका बीज निकाल लेंगे, और जो वाइट पार्ट होता है सेंटर में उसको भी आपको निकाल लेना है। ऐसे हम लोग सारे आम के साथ कर लेंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अब हम लोग इसे एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं, और आपको इसे अच्छे तरीके से धुल भी लेना है। और अब हम लोग इसके ऊपर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे तरीके से फैला के डाल देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बस आपको इसमें हल्दी पाउडर अभी डालना है, नमक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। नमक डालने से जो आम का पानी होगा वो जल्दी नहीं सूखेगा, और आम में मॉइस्चर बना रहेगा। और अचार बनाते समय हमें एक बात का तो ख्याल रखना ही पड़ता है कि जो आम हो या फिर जिस भी चीज़ का आप अचार बना रहे हैं उसमें पानी एकदम भी ना रहे। तो अब हम लोग इसे धूप में डाल देंगे। हमने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बालकनी में बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आती है। हमने एक चुन्नी बिछा ली नीचे, और उसके ऊपर हमने ये आम को रख दिए हैं। और अब हम लोग इसे सूखने देंगे। तो हमारे यहाँ धूप बहुत तेज आ रही थी, इसीलिए ये 5 से 6 घंटे में सूख चुके हैं। अगर धूप कम आ रही है तो आप इसे 1 से 2 दिन में भी सुखा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आम में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, और वो अच्छे तरीके से सूख जाना चाहिए। तो अब हम लोग एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, और इसमें हम लोग अचार के लिए सारे मसाले भून के तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़ा चम्मच खड़ी धनिया, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, और 1 छोटा चम्मच सौंफ। तो यहाँ हमने मोटी वाली सौंफ ली है। और अब हम लोग इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच काली सरसों का भी हमने इस्तेमाल किया है इसी में। और अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आपको इसे रोस्ट नहीं करना है, बस आपको इसे तब तक थोड़ा पका लेना है जब तक इसका जो मॉइस्चर है वो ना हट जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, और बस कुछ सेकंड के लिए आपको इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और अब हम लोग इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कलौंजी। तो बस आपको इसे 5 से 10 सेकंड के लिए ही भूनना है, ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे, और आपका पैन गर्म रहना चाहिए। और उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और इसमें हम लोग डालेंगे 1.5 कप सरसों का तेल। तो आम का अचार आप जब भी बनाएं तब सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे अचार में बहुत ज़्यादा अलग सा और बहुत टेस्टी सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमने जो मसाले भूजे थे उसे हम लोग पीस के पाउडर बना लेते हैं, और तब तक हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। और आपको इसका एक दरदरा पाउडर बनाना है। तो तेल को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि तेल में धुआं आने लगा है और अच्छे से गर्म हो गया। तो गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देते हैं, और तेल को ठंडा होने देते हैं। तो हमारे पास ये चीनी मिट्टी का बर्तन है, और हम लोग जब भी अचार बनाते हैं उसको इसी में डाल के रखते हैं। अगर आपके पास कांच का बर्तन है तो आप उसमें रखिए। अब हम लोग अचार को बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसमें मिलाएंगे सारे मसाले। सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि जो अचार होता है वो तो तीखा ही होता है। और हमने इसमें फिर ऐड कलौंजी जो हमने रोस्ट किया था, और फिर सारे दरदरे पिसे हुए मसाले, जैसे ये आप सब देख सकते हैं हमने एक बार में ही सारा डाल दिया है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 1/2 छोटा चम्मच हींग, और फिर डालेंगे हम लोग इसमें 1/2 चम्मच काले मिर्च का पाउडर। और तेल जो है वो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। हम लोग इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो इसी से अचार में बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता है, जो एकदम आपको रेड रेड वो कलर दिखता है। तो एक बार ये अचार ज़रूर बनाइए, ये रेसिपी एकदम आसान है, और ये अचार बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे दाल चावल के साथ, या फिर अगर आप कोई भी घर में सब्जी बनाएंगे उसके साथ खा सकते हैं। और अगर कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है तो आप अचार और रोटी भी खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चों को टिफिन में आप दे सकते हैं अचार पराठा।
तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे तरीके से मिला लिया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है तेल में। और अब हम लोग इसे डालते हैं आम में। तो अब हम लोग आम को सारे मसाले के साथ मिला लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक का इस्तेमाल हमने पहले नहीं किया है, अभी कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच नमक के, क्योंकि जो अचार होता है वो बहुत खट्टा बनेगा और उसकी वजह से नमक का स्वाद है वो नहीं आता है ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नमक डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच काला नमक डाल रहे हैं। और अब हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने बस अभी सारे ड्राई मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे और उसके बाद इसे और भी अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो हमें यहाँ पे हल्दी थोड़ी कम लग रही है, इसे हम लोग और हल्दी थोड़ी सी डाल दे रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा हल्दी लग रही हो तो आप मत डालिएगा। और उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें ये ऑयल। अच्छे तरीके से आप चारों तरफ इसे डालिएगा, थोड़ा सा बचा लेते हैं। और अब हम लोग इसे 1 चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हाथों की मदद से मत मिलाइएगा, वरना ये आपके हाथों पे लगेगा और आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे। तो चम्मच की मदद से ये अच्छे तरीके से मिला लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम तीखा चटपटा आम का अचार बन के तैयार है, जो रेसिपी है मेरी नानी और दादी की। तो एक बार आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम लोग इसे चलिए एक कंटेनर में भर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये चीनी मिट्टी का कंटेनर लिया है, आपको इसे अच्छे तरीके से सुखवा लेना है अगर ये गीला है। और अब हम लोग इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और इसे अच्छे तरीके से हम लोग चारों तरफ लगा देंगे। तो हमने ये वही अचार वाला तेल इस्तेमाल किया है जो हमने साइड रख लिया था। आप उसे इसमें अच्छे तरीके से मिला लीजिए, जो भी आप जार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे आम का अचार। तो आप एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये गर्मियों में अचार खाने का मन कर रहा है। और जब भी आप ये अचार निकालें तब एक बात का ख्याल रखेंगे, जिससे भी आप निकाल रहे हैं वो चम्मच या फिर कलछुल गीला ना रहे, वो एकदम सूखा रहना चाहिए। और अचार में पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, उससे जो अचार होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और आप ऐसे बनाएंगे तो आप इसे अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं सालों साल तक। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू और बाय बाय।